नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के कप्तानगंज कस्बा के पुरानी बाजार मोहल्ला निवासी पीड़ित परिवार ने सोमवार को दिन में कलेक्ट्रेट क्षेत्र में प्रदर्शन किया और 14 वर्षीय किशोर की हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी कर कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। इस संबंध में पीड़ित परिवार ने प्रार्थना पत्र भी डीएम को सौंपा। पुरानी बाजार निवासी रोशनी के अनुसार उसका भाई संजू बाजार के ही निवासी अपने परिचित गुलशन गुप्ता के साथ अम्बेडकर नगर जनपद के बसखारी जाने की बात कहकर घर से निकला था। गुलशन गुप्ता गाड़ी से प्लास्टिक का सामान ले आने और ले जाने का काम करता है। 11 मार्च को संजू गुलशन गुप्ता के साथ बसखारी गया, लेकिन शाम को गुलशन गुप्ता वापस आ गया, वहीं संजू वापस नहीं आया। 12 मार्च को बसखारी क्षेत्र में गेहूं के खेत में संजू की लाश मिली। बाद में उसका पुलिस ने पोस्टमार्टम भी करवाया और फोटो शिनाख्त न होने पर वायरल किया गया। आजमगढ़ की कप्तानगंज थाना पुलिस को मालूम था, लेकिन इसके बाद भी परिजनों को नहीं बताया गया, ऐसा आरोप परिजनों ने लगाया। 16 मार्च को पीड़ित परिवार ने जब कप्तानगंज थाने में संपर्क किया और मामले में चेतावनी दी, तब जाकर एसआई ने फोटो दिखाई। फोटो से परिजनों ने पहचान कर लिया, लेकिन कप्तानगंज थाना पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस मामले को लेकर वह लोग गुहार लगाने आए हैं। आइए सुनते हैं रोशनी ने क्या जानकारी दी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशनी प्रजापति। कहाँ के रहने वाली हैं? कप्तानगंज पुरानी बाजार। क्या मामला आज डीएम साहब यहाँ आए? डीएम साहब के यहाँ हम अपनी मांग पूरी करने आए हैं। क्या है? हमारी मांग ये है कि जिसने मिलकर मर्डर किया उसका खुलासा किया जाए, और उसके मेरे भाई गंजू का क्या मामला था, क्यों हुआ? क्या मामला था, क्यों हुआ, क्या क्या किस तरह हुआ? कोई मामला नहीं था, कोई कोई मामला नहीं है। बस वो हमारे भाई को बस खारी लेकर गए थे और वहाँ से वापस नहीं लेकर आए हैं। गुलशन गुप्ता, उनके पिता सुरेंद्र गुप्ता, उनके पुत्र है गुलशन गुप्ता, ले गए थे। वो जो प्लास्टिक का टप उप नहीं बिकता है वही खरीदने के लिए ले गए थे। दोपहर 12 बजे सोमवार 11 तारीख को आज फिर वो लेकर नहीं आए। फिर जब हम लोग पूछे तो वो बोल रहे हैं कि हम लेकर आए हैं, फिर भी उनके पिताजी से पूछे, हम अपने वहाँ ससुराल से आए, अपने सास ननद और हम तीनों साथ में आए, उनसे पूछे तो बोल रहे हैं कि कुछ लोग गंजू को मिलकर मार रहे थे, पर हम बताएंगे नहीं क्योंकि हम उनसे ऊपर नहीं है, वो लोग हमसे ऊपर हैं और धमकी दे रहे हैं कि हम तुम्हारे परिवार को मार डालेंगे। हम यही चाहते हैं कि उनके घर पे बुलडोजर चलवाया जाए और 25 लाख रुपया दिया जाए और मेरे भाई को सरकारी नौकरी दी जाए, थाने पे गए और फांसी दी जाए। थाने पे गए, कोई सुनवाई नहीं हुई, पुलिस हम लोग को डांट के भगा रही है। वही मीडिया से बातचीत करते हुए एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि कप्तानगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले कन्नू प्रजापति की हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में थाना कप्तानगंज में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इसके साथ ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी कर ली गई है, जिसकी कल डिटेल में प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। देखिए, दिनांक 16 मार्च 2024 को थाना कप्तानगंज स्थित एक कन्नू प्रजापति की, जिसकी उम्र लगभग 14 वर्ष थी, नाबालिग था, जिसकी हत्या कर दी गई थी। जिस संबंध में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिस पर हम लोगों ने अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली है, जिस संबंध में डिटेल में कल पीसी की जाएगी। आज इसी परिवार के पीड़ित पक्ष और कुछ उनके गाँव के परिजन आज पुलिस मुख्यालय पर आए, जनपद में आए, जिन पर हम लोगों ने उनको आश्वासन दिया है कि इसकी गिरफ्तारी की जा चुकी है, सारी विधिक प्रक्रियाएं पूर्ण की जा रही हैं, जिसके आधार पर कल पीसी भी की जाएगी। और जो इन्होंने आर्थिक मदद की बात की है, इन्होंने बताया कि हमारा परिवार बहुत ही गरीब है, बिजली कनेक्शन भी नहीं है, तो उसमें भी आश्वासन दिया गया है कि जो भी विधिक कार्रवाई और आर्थिक मदद दी जा सकेगी कानूनी तौर पर, वो हम लोग अपने स्तर से कार्रवाई करवाने की कोशिश करेंगे। सर, घटना कारित करने वाले व्यक्ति ने क्या कुछ बताया कि क्या कारण था? देखिए, इसकी संबंध में विधिक कार्रवाई चल रही है, पूरी लिखावड़ी चल रही है, तो हम लोग आपको कल इसके बारे में पूरी डिटेल से सूचित करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। धन्यवाद।
अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर